हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर YouTube चैनल। एंड गाइस, फाइनली आप कह सकते हो कि आज आखिरी दिन है Amazon पे दिवाली सेल का। एंड कल मतलब 3 नवंबर को Flipkart पे भी आखिरी सेल रहेगा यहां पर ये सीजन के दिवाली सेल का। एंड आज की वीडियो में मैं यहां पर आपको 5 अमेजिंग स्मार्टफोन डील्स बताने वाला हूं, जो कि आखिरी दिन में आप 15,000 रुपए की कैटेगरी में परचेस कर पाओगे। लास्ट चांस है एंड इसके बाद में मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे यहां पर आपको ऑफर देखने को मिलेंगे। तो कौन से 5 धमाकेदार यहां पर आप बोल सकते हो स्मार्टफोन है 15,000 रुपए की कैटेगरी में, सारी चीजों के बारे में बताने वालों, तो कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो का लाइक के टारगेट रखते हम 3,000 लाइक्स का, ये होप क्या पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से बता दूं गाइस, ऐसी सेम टाइप की वीडियो जो है हमने बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 12,000 की भी डाले थे, बेस्ट स्मार्टफोन डील अंडर 20,000 रुपीस की भी डाले थे। तो 12,000 रुपए का या 20,000 रुपए के बजट है, आपको बेस्ट स्मार्टफोन डील के बारे में जानना है तो डेफिनेटली चैनल पर चेकआउट कर लेते हैं। वैसे 15,000 रुपए में बेस्ट डील की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले बैंक ऑफर की अगर हम बात करें तो फ्लिपकार्ट पे आपको SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड पर जो 1,250 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, जबकि अमेजोन की अगर हम बात करें तो वहां पर ICICI बैंक और कोटक बैंक के क्रेडिट कार्ड आपको 1,250 रुपए का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। चलिए मैं लाइन से 5 सबसे बेस्ट स्मार्टफोन डील बता देता हूं। एंड आप बोल सकते हो आज एंड कल आखिरी दिन है, इसके बाद में आपको ऐसी डील देखने को नहीं मिलेगी। सबसे पहली स्मार्टफोन डील की अगर हम बात करें तो स्पेशली गेमिंग लवर लोग के लिए है, पोको X3 प्रो। ऐसे तो 19,000 रुपए का बेस रन देखने को मिलता है, लेकिन ऑफर में 17,000 रुपए का है। बैंक ऑफर अगर आप लगाते हो तो सिर्फ आपको 15,750 रुपए में देखने को मिलेगा। एंड इतना प्राइस पॉइंट है, आपको बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ। स्नैपड्रैगन का 860 मिलता है तो धमाकेदार गेमिंग एक्सपीरियंस रहने वाला है, एज वेल एज कैमरास वगैरह भी डिसेंट इनफ है। बड़ी बैटरी मिल जाती है, 120 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिल जाता है, डुअल स्टीरियो स्पीकर सपोर्ट है, 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट है, सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। 15,000 से 16,000 रुपये का बजट है, गेमिंग स्मार्टफोन, या गेमिंग करना है या एडिटिंग भी करना है, परफॉर्मेंस वाला आप बोल सकते हो टास्क वगैरह करना है, सबसे बेस्ट डील है, डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर मोटो G60, ऐसे तो ये 18,000 रुपए का मिलता है, लेकिन यहाँ पर ऑफर में आपको 16,000 रुपए का मिल रहा है। बैंक ऑफर की अगर हम बात करें तो बैंक ऑफर लगा के जो है क्रेडिट कार्ड पे 14,750 रुपए में आपको देखने को मिल जाएगा। एंड अंडर 15,000 रुपीज में बहुत ही तगड़ा स्मार्टफोन आप कह सकते हो, स्पेशली भाई जिसको मोटोरोला की ब्रांड वैल्यू एंड स्टॉक एंड्रॉइड वाला एक्सपीरियंस चाहिए, नो एड्स नो ब्लोटवेयर वाला, डेफिनेटली ये स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। बड़ा डिस्प्ले मिल जाता है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है, 732G है, तो आप बोल सकते हो स्टेबल परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड कराएगा। 108 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप है, तो कैमरा भी काफी बढ़िया आपको देखने को मिलता है, बड़ी बैटरी है, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। लेकिन ये स्मार्टफोन का सबसे तगड़ा पॉइंट आप कह सकते हो इसके जो आप बोल सकते हो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस यहां पर रहने वाला है। तो अगर आपको MIUI Realme UI फ्रंट टच वगैरह नहीं चाहिए, एकदम क्लीन सा इंटरफेस चाहिए, तो डेफिनेटली 14,750 रुपए में 628 वाला वेरिएंट G60 का एब्सोल्युटली वैल्यू फॉर मनी है। नेक्स्ट डील की अगर हम बात करें, आप बोल सकते हो इसमें भी काफी ज्यादा बढ़िया डिस्काउंट आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहां पर ये डील है Realme 8 4G। जी हाँ, काफी पॉपुलर स्मार्टफोन है, इसके 8GB वाले वेरिएंट पे यहां पर आपको ऑफर दिया जा रहा है। एक्चुअल प्राइस पॉइंट की अगर हम बात कर रहे हैं 18,000 रुपीज है, लेकिन यहां पर आपको 2,000 रुपए का प्रीपेड का डिस्काउंट डायरेक्टली आपको कोई भी बैंक के कार्ड से मिल जाएगा, एज वेल एज यहां पर अगर आप SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो 1,250 रुपए का और डिस्काउंट मिलेगा। इफेक्टिवली 8128 वाला Realme 8 4G जो है आप सिर्फ 14,750 रुपए में परचेस कर पाओगे। काफी तगड़ा सॉलिड ऑलराउंडर स्मार्टफोन है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर है, कैमरास वगैरह डिसेंट देखने को मिलते हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, एंड 30 वॉट की सुपर डार्ट चार्जिंग का यहां पर आपको सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर आप ऐसे टाइप के यूजर हो भाई, ओवरऑल बैलेंस स्मार्टफोन चाहिए, कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर विद एमोलेड डिस्प्ले चाहिए, डेफिनेटली देख सकते हो। हीलियो G95 का चिपसेट है, तो परफॉर्मेंस भी आपकी अब बोल सकते हो 15,000 रुपए की रेंज में काफी तगड़ी रहने वाली है। देखना चाहते हो देख सकते, तो अच्छी डील है, वो भी 8GB रैम के साथ में। नेक्स्ट डील की अगर हम बात करें तो आ जाती है Amazon पे IQ Z3। जी हां, Z5 भी आ चुका है, लेकिन Z3 पे डिस्काउंट काफी बढ़िया आपको देखने को मिल रहा है। इसका जो बेस वेरिएंट है वो आपको 18,000 रुपए का देखने को मिलता है, लेकिन यहां पर आपको 2,500 रुपए का यहां पर फ्लैट डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। जी हां, कोई भी बैंक का, चाहे आपके पास डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, आप कोई भी ATM से या कोई भी बैंक का कार्ड है, पूरी आप बोल सकते हो इंडिया में जितने भी चलते हैं, 2,500 रुपए का आपको फ्लैट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो इफेक्टिवली स्मार्टफोन आप जो है
15,500 रुपए में परचेस कर पाओगे वो प्राइस पॉइंट पे आप बोल सकते हो काफी ज्यादा वैल्यू यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा है, क्योंकि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला यहाँ पर आपको डिस्प्ले मिल जाता है, स्नैपड्रैगन का 768G वाला 5G चिपसेट मिलता है, तो परफॉर्मेंस यहाँ पर आपकी काफी अच्छी रहने वाली है, एज वेल एज 64 मेगापिक्सल ट्रिपल लेयर कैमरा है एंड कैमरा परफॉर्मेंस आप बोल सकते हो काफी अच्छी देखने को मिलती है, एज वेल एज 55 वॉट का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है। तो कुल मिला के अगर आप ऐसे टाइप के यूजर हो कि मुझे एक बैलेंस स्मार्टफोन चाहिए कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर के साथ में, लेकिन हाँ आपको एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलता है, वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में अगर आप रह सकते हो तो डेफिनेटली डील को ग्रैब कर सकते हो। डील को ग्रैब करने का फायदा ये है कि बहुत सारे लोगों के पास जो है क्रेडिट कार्ड वगैरह नहीं रहता है, लेकिन ये इसमें तो आपको 2500 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है, तो 15,500 रुपए में 698 वाला Z3 देखना चाहते हो देख सकते हो, सॉलिड ऑफरिंग है IQ की तरफ से। नेक्स्ट डील की अगर हम बात करें तो आती है Redmi की तरफ से, Redmi Note 10S। बहुत सारे लोगों को मैंने रेकमेंड करा एंड बहुत सारे लोग ने परचेज भी करे एंड जो डिस्काउंट आपको ये पूरा दिवाली सीजन में ये स्मार्टफोन पे मिला है ना तगड़ा देखने को मिल रहा है। ऐसे तो जो 664 से जो बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है 15,000 रुपए का है, ऑफर में आपको 14,000 रुपए में देखने को मिल रहा है, बैंक ऑफर अगर आप लगाते हो तो सिर्फ आपको 12,750 रुपए में मिल जाता है एंड 12-13,000 रुपए में मेरे हिसाब से दिस इज वन ऑफ दी बेस्ट स्मार्टफोन, क्योंकि सुपर एमोलेड डिस्प्ले यहां पर भी देखने को मिल जाता है, G95 की तगड़ी परफॉर्मेंस यहां पर भी मिलेगी, 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरे का सेटअप है, तो कैमरा परफॉर्मेंस भी आप बोल सकते हो काफी डिसेंट रहेगा। हाँ लो लाइट में थोड़ा बहुत स्ट्रगल करता है, डे लाइट में काफी बढ़िया कैमरा है, साथ ही में यहां पर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट, 3.5 हेडफोन जैक, आयर ब्लास्टर सारी चीजें मिल जाती है, 33 वॉट का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, तो आपको एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए, बैलेंस स्मार्टफोन चाहिए 12,750 रुपए में बोलूंगा लास्ट दिन है, ग्रैब करना चाहते हो कर लो, 12,000-13,000 रुपए का ये स्मार्टफोन मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं, देखना चाहते हो देख सकते हो। तो गाइस ये 5 धमाकेदार डील यहां पर मुझे बतानी थी सेल खत्म होने से पहले, आई होप सो कि आपने बहुत सारे लोग ने यहां पर शॉपिंग कर लिए रहेंगे, लेकिन जो बच चुके हैं अभी भी सोच रहे हैं भाई 15,000 रुपए में कौन सा स्मार्टफोन परचेज करें, तो ये पांचों में से अगर आप बैंक ऑफर लगा के सारी डील को ग्रैब करते हो सारे के सारे एब्सोल्युटली वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना गाइस ये सारी डील्स आपको कैसे लगी, कि आपने ऑलरेडी 15,000 रुपए में कोई स्मार्टफोन को यहां पर परचेज कर लियो, या आप आज के दिन लास्ट दिन में यहां पर परचेज करने वाले हो, कौन सी डील को आपने ऑलरेडी ग्रैब कर चुके हो मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो आई होप कि हम सबको पसंद आई होगी एंड कैसे अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।